हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है और प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 यानी लेबर असिस्टेंट भर्ती 2022 का सिलेबस आपका रिलीज हो गया है। तो यार देखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है वो अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन साइंस का सिलेबस जानते हैं। अब देखिए, साइंस में आपके दो पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, ये देख लीजिए सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। और इसमें देखिए आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। कितने नंबर के? आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टाइमिंग आपको 2 घंटे का मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। अब देखिए, इस बार है कुछ टॉपिक आपके ऐड हो गए हैं। पहले देखिए राजस्थान की जीके तो इसमें दे रखी है, फिर राजस्थान के समसामयिक मामले यानी जो करंट अफेयर्स है वो ऐड हो गई, और फिर देखिए विश्व एवं भारत एवं का सामान्य ज्ञान यानी इंडिया लेवल की जो जीके वो पूछी जाएगी, और शैक्षणिक मनोविज्ञान ये आपके पूछे जाएगा यानी एजुकेशन फिजियोलॉजी ये आपके पूछी जाएगी। तो इसमें देखिए ये 3 टॉपिक इसमें और ऐड हो गए हैं, यानी राजस्थान का करंट और विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान है ये आपके पूछे जाएगा। तो पेपर फर्स्ट में आपको समझ में आ गया होगा, यानी राजस्थान जीके तो रहेगा ही रहेगा जो 2018 में था, लेकिन इस बार 3 टॉपिक और ऐड हो गए हैं और आपके टोटल 100% पूछे जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। पेपर फर्स्ट ही हो गया। जबकि पेपर सेकंड की बात करें तो देखिए, पेपर सेकंड में आपके है विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी देखिए आपकी साइंस है, साइंस का आपका नॉलेज पूछा जा रहा है 12वीं तक का। फिर देखिए जीव विज्ञान 12वीं तक का, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जा रही है आपकी 12th तक की, इसमें सेकंड पेपर में। और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, और टाइमिंग मिलेगा आपको 2 घंटे का। टोटल आपका पेपर हो जाएगा यार दोनों पेपर का मिला के 400 नंबर का। कितने का? पेपर एक और पेपर दो दोनों मिला के आपको 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब अपन सिलेबस जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, साइंस में आपके एग्रीकल्चर आ गई, बायोलॉजी आ गई, या फिर मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको यही सिलेबस आपका रहेगा। एग्रीकल्चर वालों के लिए भी यही सिलेबस रहेगा सेम। तो इसमें देखिए यार, दे रखा है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और आपको देखिए न्यूनतम मार्क्स 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। आगे देखिए, इसमें माइनस मार्किंग है 1/3 की। कितने की? 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी है लेबर असिस्टेंट में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ये टॉपिक आपके दे रखे हैं। सबसे पहले पेपर फर्स्ट है, इसका सिलेबस दे रखा है, राजस्थान की जीके हैं, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान है, ये पूरे टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर राजस्थान का भूगोल है, इसके 16 टॉपिक दे रखे हैं। फिर करंट अफेयर्स पूछी गई है, विश्व एवं सामान्य ज्ञान पूछा गया भारत का, और शैक्षणिक मनोविज्ञान पूछा गया है। राजस्थान की करंट अफेयर्स पूछी गई है। तो ये तो हो गया पेपर फर्स्ट। आगे पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड है, इसमें देखिए सबसे पहले जीव विज्ञान का सिलेबस दे रखा है, जो कि यार 11th 12th में जो RBSE बोर्ड चलती है उसमें जो टॉपिक है वही टॉपिक है यार, सेम 2018 वाला ही है पूरा, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर बायोलॉजी का दे रखा है, बायोलॉजी का आपका हो गया यानी जीव विज्ञान का सिलेबस हो गया। उसके बाद आपके दे रखा है यार केमिस्ट्री का, ये देख लीजिए यार केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है, केमिस्ट्री के भी वही टॉपिक है 2018 वाले और आपके 11th 12th में जो चलते हैं। फिर आगे देख लीजिए यार, केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। फिर केमिस्ट्री के बाद में फिजिक्स के टॉपिक दे रखे, तो फिजिक्स के टॉपिक भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया यार आपके साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस। किसके लिए? साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस हो गया, जो कि यार आप इसकी PDF ले लेना और अच्छे से देख लेना। बाकी अब मैं आपको और बता देता हूँ, जो होम साइंस वाले हैं उनका सिलेबस भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए यार, आगे अपने दे रखा है, सबसे पहले आप जान लीजिए भूगोल का सिलेबस। भूगोल में देखिए, आपके भूगोल में सबसे पहले दे रखा है, ये देख लीजिए भूगोल का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो देखिए भूगोल में आपके सबसे पहले देखिए पार्ट ए है, इसमें देखिए सामान्य ज्ञान दे रखा है, पूरा केवल सामान्य ज्ञान है और इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, 100 नंबर का हो गए। और फिर दे रखा है भूगोल, तो देखिए पूरा जो भूगोल है ज्योग्राफी है 200 नंबर की होगी। 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा और 3 घंटे का इसमें टाइमिंग मिलेगा। ये कुछ पैटर्न दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें देखिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होगी। ये कुछ भूगोल का सिलेबस देखिए, इसमें सबसे पहले भूगोल में आपके राजस्थान की जीके दे रखी है, ये देख लीजिए आप। और फिर भूगोल दे रखा है, भूगोल में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा आराम से, टोटल पूरा टॉपिक दे रखा है। फिर आगे अपन दूसरा सिलेबस जान लेते हैं यार, जो कि आपके है किसका है, गर्भ विज्ञान का। जो गर्भ विज्ञान है प्रयोगशाला, इसका अपन सिलेबस जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए भाग ए है, भाग ए में आपके सामान्य ज्ञान दे रखा है, ये 100 नंबर का होगा। और फिर गर्भ विज्ञान यानी होम साइंस दे रखी है 200 नंबर की। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगा, वो सेम है, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये राजस्थान की जीके के आपके कुछ टॉपिक दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। और फिर नीचे आपके होम साइंस के टॉपिक दे रखे हैं, ये देख लीजिएगा यार, इसकी आप पूरी PDF ले लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम से आपको इसकी PDF मिल जाएगी और वो आप वहाँ से आराम से देख लेना। तो आपको समझ में आया होगा कि यार साइंस का सिलेबस है, इस बार कुछ बदलाव किया गया है। आपके दो पेपर हो गए साइंस के, और जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपके किसका, सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान पूछा जाएगा, और इंडिया लेवल की जीके पूछी जाएगी। वो 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। और सेकंड पेपर होगा आपके, जिसमें देखिए आपके क्या पूछा जाएगा, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछे जाएगी, वो भी आपके 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे मिलेंगे। तो ये PDF ले लेना और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं बाकी और किसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।